हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू द विशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस. टुडे वी अंडरस्टैंड अबाउट द पॉलिटिकल साइंस एंड इन दिस पार्ट इट्स फर्स्ट चैप्टर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस एंड इट इज़ आवर फिफ्थ पार्ट. इन दिस पार्ट वी अंडरस्टैंड अबाउट द चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी. वो कौन से चैलेंजेस है जो डेमोक्रेसी में फेस करना है, यानी वीकनेस ऑफ द डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो नॉर्मली कहता है इनइक्वालिटीज ऑफ ए इनकम एंड अ वेल्थ, सोशल इनइक्वालिटीज, मनी एंड द मसल पावर्स, lack of the political awareness presented the challenges of the democracy. तो हम देखें तो हमारे पास इकोनॉमिकल वेल्थ वाली जो सिचुएशन है वो इक्वल है. तो पॉइंट ऑफ व्यू से पहले फर्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ की जब बात करते हैं तो कहता है इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी दैट देयर शुड नॉट बी ए ह्यूज इनइक्वालिटीज ऑफ द इनकम अमॉन्ग द पीपल्स. कहता है कि ये जरूरी है कि जो प्रॉपर फंक्शनिंग की जो हमारी इनइक्वालिटीज़ की सिचुएशन है, कहता है कि प्रॉपर फंक्शनिंग होना जरूरी है कि डेमोक्रेसी में देर शुड नॉट बी ह्यूज इनइक्वालिटीज़ ऑफ द इनकम अमंग द पीपल, कि जो लोग हैं डेमोक्रेसी के उनके इनकम में गैप ना हो. जो लेवल ऑफ इनकम है बहुत ज़्यादा गैप होने की सिचुएशन में क्या होगा कि जो डेमोक्रेसी का फॉर्मेशन है वो बनने, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो किसी के पास एकदम नहीं होगा. फिर ये भी कहता है misuse of economic power reduce the election to the fresh. देखिए अगर हम बात करते हैं तो misuse of the power की बात करें, economical power की अगर बात करें तो हमारे पास पैसा इस्तेमाल करने से और हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, इसका misuse ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करना चाहिए. फिर ये भी कहता है कि rich controls the press and other means of the publicity. जो rich persons होते हैं वो क्या करते हैं, जो press होता है, जो पब्लिसिटी के अदर वे ऑफ मीडियम्स होते हैं उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करने का काम करते हैं. दे यूज़ द करप्ट मीन्स ऑफ ऑल्सो अगेंस्ट द सिटीजन्स वोट्स. वो क्या करते हैं, अलग अलग गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, दड़ाने धमकाने का काम करते हैं लोगों को वोटिंग्स के लिए. और तो और कहता था मोर एवर अ फ्यू एक्सट्रीमली रिचेस पर्सन वाइल्ड सो मच ऑफ द इन्फ्लुएंस ओवर द लेजिस्लेटर्स, पॉलिसीज मेकर्स एंड द ब्यूरोक्रेट्स that the interest and the needs of the poor people may be unattainable. अब यहाँ पर कहता कुछ ऐसे richest लोग होते हैं जिनका जो बहुत अच्छा पकड़ होता है वो political पकड़ रखते हैं, political लोगों से, bureaucrats लोगों से, policy makers से उनकी अच्छी पहचान होती है, तो वो अपने profit of focus को focus करते हुए policies को बनाने का काम करते हैं, जिसका सीधा सीधा अगर benefits देखें तो जो common people को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है. फिर अगर बात करें there must be an adequate economic security security for the individual to develop his personalities. कहता है कि there must be an uneducated economic securities of the individual to develop. देखिए हर एक व्यक्ति अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो अगर देखें तो इसका जो इलेक्शन होता है वो रिच लोगों का होता है, कि एक गरीब व्यक्ति इलेक्शन नहीं लड़ सकता, और लड़ता भी है तो वो कभी जीतेगा ही नहीं. तो प्रॉब्लम ये है कि ना जिसके पास पैसे हैं वो इलेक्शन में हावी रह सकता है, वो जिसके पास पकड़ है, जो richest पर्सन है, जो लोगों को जानता है, वो हमेशा पावर में बना रहता है. द मोर एवर द वर्स्ट डिस्पर्टीज इन द ऑनरशिप ऑफ द वेल्थ शुड बी ब्रॉट डाउन द रोडीज एंड हिज एसोसिएशन एसोसिएट्स हैव द पॉइंटेड आउट दैट अ डेमोक्रेसी अपीयर्स द पर्टिकुलरली द स्कार्स इन दोज कंट्रीज लाइक अ स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, विच आर नॉट द कैटेगराइज्ड बाई characterized by the great extreme of the wealth of the poverties. Normally अगर देखें तो poverties के situation यहाँ पर लोगों ने क्या किया था, जो democracy का proper formation होता है equalities को उसको follow होता है, यहाँ की condition level of income यहाँ पर बहुत अच्छी है. फिर कहता on the other hand in countries like India and Italy where the people luckless in want and the poverty democracy has made the slow हैटलिंग प्रोसेस. अब यहाँ पे स्विट्जरलैंड हुआ, डेनमार्क हुआ, नॉर्वे हुआ, तो यहाँ पे इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को, क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन थी इकोनॉमिकल राइट्स का और जो हमारी जो राइट्स एग्जैक्टली होनी चाहिए उसमें वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए, ठीक है. लेकिन वहीं इंडिया और इटली की बात करें तो इन लोगों ने क्या किया, लिग्निस वॉन्ट एंड पीपल, वहाँ पर जो लोगों की पॉवर्टी को रिमूव करने की जो डिमांड्स थी उसको थोड़ा स्लो हुआ, और इसका जो ओवरकम हुआ वो भी स्लो ही रहा, यानी कि जिस तरीके से हमें पॉवर्टी को रिमूव करना चाहिए उस तरीके से हम पॉवर्टी को रिमूव नहीं कर पाए. नेक्स्ट वन सोशल इनइक्वालिटीज़ की अगर बात करें तो आज के टाइम में जैसे मैंने कहा कि richest पर्सन ज़्यादा रिच होता जा रहा है, लोएस्ट होता जा रहा है, इसके साथ साथ हमारे कॉस्ट
इनक्वलिटीज आती है और मेन एंड वीमेंस के बीच में भी आती है. तो कहता है इट इज़ जनरली द एग्रीड दैट द डेमोक्रेसी कैन नॉट द फंक्शन द सक्सेसफुली इन द सोसाइटीज विच हैव द फ्रेडुअल एटीट्यूड एंड द ऑथोराइटिज ट्रेडिशंस. अगर देखें तो उस सोसाइटीज में डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से सक्सेसफुली फंक्शनिंग नहीं कह सकता जहाँ पे एटीट्यूड लोगों का अलग अलग हो और साथ ही साथ अलग अलग ट्रेडिशन हो. जैसे हमारे यहाँ भाषाएं अलग अलग होती हैं, हम बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं. फिकर दैट देयर मस्ट बी द सम इफेक्टिव मैकेनिज्म टू द गार्ड अगेंस्ट द सोशल सेवर्स. वहाँ कुछ इफेक्टिव मैकेनिज्म होनी चाहिए जो सोशल सेवर्स चीज होती हैं उनको मेंटेन करने के लिए. फिर कहता है देयर इज नो द लॉजिकल और द रैशनल ग्राउंड फॉर डिनाइंग द इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन्स. तो कहता है कि देयर इज नो लॉजिकल एंड रैशनल ग्राउंड. कोई ग्राउंड नहीं है, कोई लॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है किसको डिनाई करने का. इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी टू वुमेन्स, जो वुमेन्स को इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए उसको डिनाई करने का कोई भी ग्राउंड लेवल नहीं है. लाइकवाइज अ प्रैक्टिस ऑफ द रेडिकल सेग्रेशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड द प्लेस ऑफ द पब्लिक एंटरटेनमेंट गोज अगेंस्ट द रिलेशंस ऑफ द डेमोक्रेटिक गोल. तो अगर देखें तो अगर हम एग्जाम्पल देते हैं इंस्टीट्यूशंस में भी अगर देखें तो बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में थोड़ा सा वेरी, लड़कों को ज़्यादा एजुकेशन दी जाती है एज़ कम्पेयर टू वुमेंस. इसके साथ साथ तो वर्क जॉब प्लेस पे भी उनको बेनिफिट नहीं दिया जाता, वहाँ पे मेंस को ज़्यादा प्रियोरिटी दी जाती है क्योंकि दे आर द परफॉर्मर, उनको ये इस तरीके से देखा जाता है. तो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज बनी हुई होती है. फिर कहता मनी एंड द मस्कल पावर इन द इलेक्शंस. तो इलेक्शन की सिचुएशन मैंने आपको बताया भी था. तो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड हाउ द मनी पावर पुट द रिच इन द बेटर पोजिशन अदर दैन द पीपल ऑफ इन इलेक्शंस. कहता है जो मनी पावर होती है वो क्या करती है, लोगों को बेटर कंडीशन में लेके आती है अदर पीपल्स इन इलेक्शन, उन लोगों से जो दूसरे लोग होते हैं जिनके पास मनी पावर नहीं होती है जो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं. यानी इलेक्शन लड़ने वाले व्यक्ति के पास अगर पैसे हैं तो अच्छी कंडीशन में होगा, नहीं है तो नहीं हो सकता. फिर कहता है इलेक्शन हैव बिकम द इंक्रीजली द कॉस्टली ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम. इलेक्शन जैसे अगर देखें जैसे जैसे आज का टाइम इलेक्शन हम करा रहे हैं वो कॉस्टली होता जा रहा है, बहुत सारे लोग पैसे खर्च कर रहे हैं. द पार्टीज एंड द कैंडिडेट डिपेंड ऑन द वेल्थ डोनर्स ऑफ द बिजनेस हाउसेज फॉर द सपोर्ट. ऑफ पार्टीज और जो कैंडिडेट्स हैं वो डिपेंड होते हैं किसके पर, वेल्थ डोनर, वो व्यक्ति जो पैसे डोनेट करने का काम करता है बिजनेस से और दूसरे तरह से सपोर्ट करने का काम करता है. कहता है इट इज दिस नॉट अटेम्प्ट ऑन अ पार्ट ऑफ द बिजनेस हाउसेज टू विन द रूल्स फेवर्स. और ये इसलिए करते हैं ताकि जो बिजनेस हाउसेज हैं वो जब अगर इलेक्शन जीत जाता है पार्टीज तो वो क्या करे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं तो वो उनके फेवर को फोकस करके बनाएगा. द पार्टीज एंड द पॉलिटिशियन हैव आल्सो बीन यूज द मिसलेस पावर्स इन द मेनी कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड एशिया इंक्लूडिंग इंडिया बांग्लादेश श्रीलंका. कहता बहुत सारी पार्टीज हैं जो अपने पावर का मिसयूज करती हैं, जैसे बहुत सारी कंट्रीज में, इंडिया हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सभी कंट्रीज में ऐसे बहुत सारे आपको पॉलिटिकल पार्टीज मिलेंगे जो अपने पावर का मिसयूज करने का काम करती हैं. लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पब्लिक अफेयर्स. तो नमें डेमोक्रेसी गवर्नमेंट डिमांड द कॉमन मैन एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द पीपल अफेयर्स. डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का जो डिमांड होता है वो ये होता है कि कॉमन मैन जो है, जो सामान्य व्यक्ति है, वो क्या करे, एक्टिव रोल प्ले करे. किसे पार्टिसिपेट करने में, पब्लिक अफेयर्स को पार्टिसिपेट करने में. पब्लिक अफेयर्स तरह में जो एक्टिविटीज होती है, पब्लिक के बीच जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें वो एक्टिव पार्टिसिपेट रोल प्ले, एक्टिव पार्टिसिपेशन करे. फिर कहता है बिकॉज ऑफ द इलेक्टोरल वायलेंस एंड द पॉलिटिकल करप्शन द पीपल सीम इंडिफरेंट टू इलेक्शनरीज इन एंड द इलेक्टोरल प्रोसेस. अगर देखें तो इलेक्टोरल अभी कहता है कि इलेक्टोरल वायलेंस होती है इलेक्शन के टाइम में, जो वायलेंस वगैरह होता है, जो करप्ट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, लोग होती हैं, वो क्या इनडिफरेंट सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती हैं इलेक्शन के प्रोसेस में, कभी वो लूट लेती हैं. फिर कहते सम टाइम दे से दैट द इट पेनल्टी पेनलाइज दैट द पॉलिटिशियन आर नॉट ट्रस्टवर्थी. कई सिचुएशन ऐसा देखा जाता है कि जो पॉलिटिशियन कहता है उसको पूरी तरीके से फॉलो भी नहीं करता. पीपल क्रेज द डेमोक्रेसिक इंस्टीट्यूशन बट दे हैव अ लॉट ऑफ डाउट. जो लोग होते हैं उनको तो डेमोक्रेसिक सिचुएशन को पता होता है लेकिन एग्जैक्टली देखें उसके बावजूद भी सारी चीज़ों को करने के बावजूद, सारी चीज़ प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद बहुत सारे डाउट उनके मन में बने होते हैं जो डेमोक्रेटिक सिचुएशन के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन को रिवे. बट दे हैव लॉट ऑफ डाउट्स अबाउट देयर लीडर्स एंड द पॉलिटिक पब्लिक ऑफिसर्स. अब इन सब चीज़ों में सारी चीज़ें करने के बाद उनको अभी भी डाउट होता है कि जो हमारा लीडर है वो जो उसने कहा है
उसको पूरा करेगा ही नहीं करेगा, हमारा जो ऑफिसर्स है वो पूरी तरीके से अपने ट्रूटली परफॉर्मेंस को मेंटेन करेगा ही नहीं करेगा। सिटीजन्स हैव अ राइट्स टू एक्सपेक्ट द रूल्स नॉट वर्ड्स। अब सबसे बड़ी चीज क्या है, जो लोग हैं उनको रूल्स को एक्सेप्ट करना है, वर्ड्स में नहीं कि हमने एक्सेप्ट किया, उसको फॉलो भी करने की जरूरत होती है। अब लीडर्स एज अ पॉलिटिशियन पार्टीज की अगर बात करें तो यहाँ पे भी बहुत सारी सिचुएशन होती है, जैसे हमने कहा कि इलेक्शन जो होता है डेमोक्रेसी में वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं। द पार्टीज हैव बिकम्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात करें तो पार्टीज होती है वो एसेंशियल पार्ट होती है, बहुत जरूरी पार्ट होती हैं। द मेजोरिटीज पार्टीज फॉर्म द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन प्रिवेंट इट द बिकम द ऑटोक्रेटिक। कहते हैं अगर जो मेजोरिटीज पार्टी होती है वो गवर्नमेंट को बनाने का काम करती है, लेकिन वहीं पर अगर बात करें जो अपोजिशन पार्टीज होती है वो ऑटोक्रेटिक सिचुएशन आती है, यानी कि अपोजिशन में बैठने का काम करती है। बट ऑल द पार्टीज आर नॉट ऑर्गेनाइज ऑन द साउंड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे सारी पार्टी जो होती है कहता है तो ऑल द पार्टीज आर नॉट ऑर्गेनाइज, सारी पार्टीज ऑर्गेनाइज नहीं होती है ऑन द साउंड, यानी एक तरह के साउंड में जिसमें हम सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम की बात करते हैं, जिसमें सोशलाइज को मेंटेन करने की बात करते हैं। द डिविजन ऑफ द सोसाइटीज इन टू द लीडर्स एंड द फॉलोइंग द रूट्स फॉलोअर्स द रूटेड इन द ह्यूमन नेचर। द डेमोक्रेसी हैज एनहांस द इम्पोर्टेंस ऑफ द पर्सनैलिटीज। अब डेमोक्रेसी की सिचुएशन में पर्सनैलिटी का इंपॉर्टेंस हो गया, भाई जो जैसा है उसके हिसाब से उसकी वैल्यूज को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, नेचुरल सिचुएशन की बात करें वो रूटेड की सिचुएशन की बात नहीं करता, हमारा लीडर्स कैसा है। अब देखिए होता है क्या, लीडर टॉप लेवल बैठा तो उसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो धीरे धीरे टॉप पर बैठते हैं, दूसरा किसी का चांस नहीं बनता। द पार्टीज प्रोजेक्ट द लीडर्स इन द होप्स ऑफ द गेटिंग द इलेक्टोरल सपोर्ट। पार्टी क्या करते हैं, लीडर्स को प्रोजेक्ट करती है इस सिचुएशन को फोकस करते हुए कि फिर क्या होगा, उनकी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा क्या सपोर्ट मिलेगा। द लीडर्स हाउएवर द शुड बी द कमिटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ द सोशल जस्टिस एंड द डेमोक्रेसी। और लीडर क्या करता है, वो कमिटेड होता है प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को लेके, यानी सोसाइटी के डेवलपमेंट और उसके रिलेटेड जो भी जस्टिफिकेशन होते हैं उसको लेके, और डेमोक्रेसी को लेके वो क्या होता है, पूरी तरीके से कमिटेड होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो दैट्स ऑल। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ द डाउट और द क्वेरी, यू शुड बी कंसल्ट थ्रू द गूगल क्लासरूम। थैंक यू।